हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फाइनल ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। तो पिछले वीडियो में हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के विषय में पढ़ा था। आज हम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में तो हमने एक महाद्वीप के विषय में पढ़ा था और आज हम एक देश के विषय में पढ़ेंगे। जो हमारे सिलेबस में है वो अमेरिका देश है, लेकिन मैंने पहले महाद्वीप के विषय में आपको जानकारी दी थी। आज हम इस देश के बारे में जानकारी लेंगे। तो जो अमेरिका देश है उसका संपूर्ण अध्ययन हम इसमें करेंगे। अमेरिका की धरातल की, वहां की जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, वहां पे जीव जंतु वहां के, और मतलब संपूर्ण अध्ययन जो हम भारत के विषय में जो अध्ययन किया है हमने सेकेंड बुक में, उसी तरीके से अमेरिका के विषय में हम अध्ययन करेंगे। और अमेरिका के बाद जो चाइना है उसके बारे में इसी तरह से हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि प्रादेशिक भूगोल है, ये विश्व का अध्ययन है। इसमें हम करेंगे, विश्व के बारे में जानेंगे इस पुस्तक के माध्यम से। तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। देखो, अमेरिका है देश है, आपको पता होगा कि ये भी ब्रिटेन का एक गुलाम रहा था। ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है अमेरिका देश भी, जो कि वर्तमान में एक सबसे अधिक शक्तिशाली देश है अमेरिका। लेकिन किसी जमाने में यह भी एक गुलाम देश था, ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। 1783 में यह देखो आजाद हुआ था, 1783 ईस्वी में अमेरिका है ये आजाद हुआ था। 4 जुलाई को ये अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। जो अमेरिका है इसका स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। 1783 में ये आजाद हुआ था ब्रिटेन के उपनिवेश से, ये आजादी मिली थी इसे। जिस तरह से भारत 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, उसी तरीके से जो अमेरिका है 4 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और यहाँ के, हालांकि इसके बारे में पिछले वीडियो में बताया था आपको, जो अमेरिका के मूल निवासी थे वो रेड इंडियन थे। तो बाहर से ये जो यूरोपीय लोग आए थे, चाहे वो अंग्रेज हो, डच हो, पुर्तगाली हो, फ्रांसीसी हो, इन्होंने जो अमेरिका के मूल निवासियों को अपनी जगह से खदेड़ दिया, उनको हटा दिया, उन्हें मारा पीटा गया, और इस तरीके से इन्होंने अमेरिका के जो बाहरी भाग थे वहां पे अपना नियंत्रण कर लिया था। तो ब्रिटेन ने क्या किया था, जो इंग्लैंड देश है ब्रिटेन ने, इसने अमेरिका में जो अमेरिका के पूर्वी भाग पर अधिकार कर लिया था, उत्तर पूर्वी भाग था वैसे वो, ठीक है, उत्तर पूर्वी भाग में एक जगह है न्यू इंग्लैंड एक जगह है, यहां पे ये जो ब्रिटेन के लोग थे यहां आकर बस गए थे और कृषि करना शुरू किया था। इन्होंने सबसे पहले कृषि कार्य यहां शुरू किया था अमेरिका में, और अमेरिका में जो जगह है न्यू इंग्लैंड वो भी आज भी उसका नाम न्यू इंग्लैंड ही है,
क्योंकि इंग्लैंड के जो लोग हैं, ब्रिटेन के जो लोग हैं, यहाँ आके सबसे पहले बस गए थे, कृषि कार्य है उन्होंने शुरू किया था। ये जो गुलाम लोगों को गुलाम बनाकर ये लोगों को लाते थे, खासकर जो निग्रो लोग हैं, निग्रो जाति के जो लोग थे, ठीक है, उन्हें गुलाम बनाकर ये लाते थे। एक गुलाम प्रथा भी थी, अब तो नहीं है, बैन लग गया है। तो अफ्रीका महाद्वीप में जो लोग थे उन्हें यहाँ बलपूर्वक लाया जाता था और उनसे कृषि कार्य है और इसके अलावा जो अन्य कार्य वो करवाए जाते थे। गुलामों को पकड़ के यहाँ लाते थे जो निग्रो जाति से होते थे अधिकतर, और यहाँ उनसे काम करवाया जाता था। तो इस तरीके से जो इंग्लैंड वासी है वो यहाँ बस गए थे और बलपूर्वक लोगों से कार्य करवाते थे। और यहाँ के जो मूल निवासी थे, जो रेड इंडियन थे, वो आंतरिक भागों में चले गए, आंतरिक भाग यानी मध्य भागों में ये चले गए महाद्वीप के। तो ये था अमेरिका के बारे में है। और अब हम इसके अमेरिका का भूगोल का अध्ययन करते हैं। देखो अमेरिका की जो स्थिति और विस्तार है, सबसे पहले ये देखते हैं अमेरिका की स्थिति और विस्तार। देखो 24 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है, अक्षांश से विस्तार है इसका 24 डिग्री 30 मिनट से 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जो अमेरिका है इसका अक्षांश से विस्तार है। उसके बाद देशांतरीय विस्तार देखते हैं इसका कि 66 डिग्री 5 मिनट पश्चिमी देशांतर से 124 डिग्री 45 मिनट पश्चिमी देशांतर तक इसका विस्तार है, देशांतरीय विस्तार है। फिर है इसका पूर्व से पश्चिम विस्तार, जो अमेरिका है इसका पूर्व से पश्चिम विस्तार है 4480 किलोमीटर, और उत्तर देखो पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है इसमें देखो अमेरिका के पूर्व में अंध महासागर या अटलांटिक महासागर स्थित है और पश्चिम में इसके प्रशांत महासागर स्थित है। पूर्व में अंध महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। उसके बाद देखो इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार है 2578 किलोमीटर, यह उत्तर से दक्षिण का विस्तार है अमेरिका का। उसके बाद है इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल देखो 78,27,976 वर्ग किलोमीटर, यह इसका क्षेत्रफल है अमेरिका का 78,27,976 वर्ग किलोमीटर। तो क्षेत्रफल के अनुसार जो अमेरिका देश है ये विश्व का चौथे नंबर का सबसे बड़ा देश है, ठीक है, ये विश्व का चौथे नंबर का सबसे बड़ा देश है। तो देखो सबसे बड़ा देश है विश्व का रूस है, फिर कनाडा, तीन नंबर पे चीन है, चौथे पे अमेरिका आ ही गया, यूएसए लिख देते हैं इसे यूएसए, पांचवे है ब्राजील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया, फिर है भारत। ये विश्व के जो देश है उनका क्रम है
सबसे बड़ा देश रूस है और जो अमेरिका है ये चौथे नंबर पे आता है विश्व में, और भारत है वो सातवां बड़ा देश है विश्व का। तो ये क्रम है इन देशों का। क्षेत्रफल के अनुसार अमेरिका चौथा बड़ा देश विश्व का। देखो उसके बाद जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखते हैं। देखो जनसंख्या के अकॉर्डिंग विश्व का सबसे बड़ा देश है चाइना है, चीन है, और द्वितीय स्थान पर भारत है, ठीक है, और तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका। ये विश्व का तीसरा बड़ा देश है जनसंख्या के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये विश्व का तीसरा बड़ा देश है जनसंख्या के अनुसार। फिर चौथा है ब्राजील, पांचवा इंडोनेशिया। ये क्रम है विश्व के देशों का। इंडोनेशिया चौथा बड़ा देश है, पांचवा है ब्राजील। ये विश्व के बड़े देश है जनसंख्या के अकॉर्डिंग। तो अमेरिका है तीसरा स्थान है इसका विश्व जनसंख्या में, ठीक है। पहला स्थान और पहला और दूसरा देश तो हम जानते ही हैं, ये चीन और भारत है, उसके बाद अमेरिका है। उसके बाद देखो राज्यों की संख्या, अमेरिका में जो राज्यों की संख्या है वो 50 है। अमेरिका एक संघीय राज्य है, एक संघ है ये राज्यों का, और इसमें 50 राज्य है। और अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है वो है टेक्सास, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है वो है टेक्सास, और टेक्सास का जो क्षेत्रफल है उसके अनुसार यह फ्रांस से बड़ा है। टेक्सास का जो क्षेत्रफल है देखो ये फ्रांस से भी बड़ा है, एक बड़ा राज्य है टेक्सास, यूरोप में है, फ्रांस है, उससे भी बड़ा इसका क्षेत्रफल है टेक्सास का। उसके बाद मुख्य भूमि से अलग राज्य, मुख्य भूमि से अलग राज्य है अलास्का और हवाई द्वीप। जो मुख्य भूमि है अमेरिका की उससे अलग राज्य है अलास्का और हवाई द्वीप, ठीक है। अलास्का और हवाई द्वीप देखो इसमें जो अलास्का है इसे 1767 में, 1867 ठीक है, 1867 में इसे रूस ने बेच दिया था अमेरिका को, ठीक है। 1867 में रूस ने अमेरिका को अलास्का बेच दिया था। और उसके बाद जो हवाई द्वीप है, हवाई द्वीप की देखो जो लोकेशन है ये पश्चिमी प्रशांत महासागर, जो अलास्का सॉरी हवाई द्वीप है जो राज्य है अमेरिका का, ये इसकी स्थिति पश्चिमी प्रशांत महासागर में ये स्थित है, और अमेरिका का 50वां राज्य है ये। ये मुख्य भूमि से अलग है। अब देखो जो अलास्का है, ठीक है, देखो जो राजधानी है अमेरिका की, अमेरिका की राजधानी आप जानते होंगे सारे, वाशिंगटन डीसी है, डीसी अमेरिका की राजधानी है। उसके अलावा एक
राज्य भी है जिसका नाम वाशिंगटन है। केवल वाशिंगटन है, एक राज्य है और राजधानी का नाम है वाशिंगटन डीसी। जो वाशिंगटन जो राज्य है यह अमेरिका के उत्तर पश्चिम में स्थित है। और अलास्का कहाँ है? अलास्का की देखो स्थिति है, यह कनाडा के पास में स्थित है, कनाडा के पश्चिम में स्थित है अलास्का। तो अलास्का अलास्का का दक्षिणी भाग, अलास्का का जो दक्षिणी भाग है, ये जो वाशिंगटन जो राज्य है, दक्षिणी भाग वाशिंगटन राज्य से 800 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जो अलास्का का जो दक्षिणी भाग है, जो वाशिंगटन है, अब देखो वाशिंगटन जो राज्य है ये तो यूएसए की मुख्य भूमि पे स्थित है, मुख्य भूमि पर, ठीक है। वाशिंगटन तो मुख्य भूमि पर स्थित है, मगर जो अलास्का है ये इससे 800 किलोमीटर दूर है। अलास्का का जो दक्षिणी भाग और वाशिंगटन जो राज्य है इसका उत्तरी भाग के मध्य 800 किलोमीटर की दूरी है, यानी बहुत दूरी पर स्थित है ये अमेरिका का एक राज्य। और दूसरा जो राज्य है हवाई द्वीप, ये पश्चिमी प्रशांत सागर में स्थित है। अब देखो पूरब की ओर यूरोप से दूरी, पूरब की ओर यूरोप से जो दूरी है अमेरिका की, यह 3200 किलोमीटर दूरी है। पूरब से यूरोप से जो दूरी है 3200 किलोमीटर इसकी दूरी है। और उसके बाद देखो एशिया से दूरी, एशिया से जो दूरी है पश्चिम की ओर, जो पूर्व में जो एशिया की जो दूरी है वो 8000 किलोमीटर है। एशिया है, यूएसए पश्चिम की ओर से, पश्चिम की ओर से 8000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यहां दूरी है, ठीक है, अमेरिका और एशिया के मध्य 8000 किलोमीटर की दूरी है। उसके बाद देखो उत्तरी पूर्वी सीमा पर, ठीक है, उत्तरी पूर्वी सीमा पर अमेरिका के 5 वृहद जिले हैं, जिन्हें देखो महान झील प्रदेश भी कहते हैं, इसे महान झील प्रदेश, महान झील प्रदेश भी कहते हैं इन्हें। वो देखो झीलों के नाम है सुपीरियर झील, मिशिगन, हुरन, इरी, ओंटेरियो, ठीक है। ये 5 जिले हैं जो कि देखो कनाडा से भी सीमा लगाती है, कनाडा से सीमा बनाती है। ये जो जिले हैं कनाडा से सीमा बनाती है, 5 जिले हैं जिन्हें महान झील प्रदेश भी कहते हैं, सुपीरियर झील, मिशिगन, ह्यूरन, एरी और ओंटेरियो, ये 5 जिले हैं। अब ये 5 जिले में से जो मिशिगन झील है, मिशिगन जो झील है ये अमेरिका में बहती है, यानी अमेरिका में स्थित है, जो मिशिगन झील है वो अमेरिका में स्थित है। बाकी जो 5 जिले हैं सुपीरियर, हुरन, इरी और ओंटेरियो, ये
कनाडा में भी बहती है, यानी कनाडा और अमेरिका दोनों में स्थित है बाकी चार जिले, मगर जो मिशिगन झील है ये अमेरिका में स्थित है पूर्ण रूप से, ये कनाडा में स्थित नहीं है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन देखो यहां बनता है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, विश्व की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील, सुपीरियर झील है, लोकेशन इसकी अमेरिका ही है, अमेरिका ही आती है, तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, ठीक है, देखो विश्व की सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, ठीक है, कैस्पियन सागर है ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। आगे है अमेरिका का धरातलीय स्वरूप, देखो अमेरिका का जो उच्चावच है उसके अनुसार इसे देखो छह भागों में बांटा गया है धरातलीय स्वरूप के अनुसार, पहले है अटलांटिक और खाड़ी तटीय प्रदेश, फिर है अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन पर्वत, आंतरिक मैदान, रॉकी पर्वत, अंतर पर्वतीय पठार और प्रशांत तटीय प्रदेश, इन छह भागों में जो अमेरिका का जो धरातल है वो बांटा हुआ है, तो इसका जो अध्ययन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते जरूर रहें। धन्यवाद।